तो दोस्तों देख सकते हो शेयर्स का वैल्यू इससे 62 रुपया 15 पैसा, और ये एक मल्टीबिगर शेयर है, और इस मल्टीबिगर शेयर्स ने यहाँ पर 1:10 रेशियो के साथ यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का अनाउंस किया है। जस्ट ये बहुत ही अच्छी मल्टीबिगर स्टॉक है, मैं आपको अगर परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर हम पिछले एक दिन का परफॉर्मेंस देखें तो देखिए 4.95% का रिटर्न दिख गई है। पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस दिखा जाए तो देखिए 21% से ज़्यादा रिटर्न मार्केट में दिख गई है। पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस देखिए तो पिछले 1 महीने में इस स्टॉक ने 188% तक का रिटर्न दिख गई है। पिछले 6 महीने में अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 391% तक का रिटर्न मार्केट में दिख गई है। तो आप कह सकते हो एक मल्टीबिगर स्टॉक है, और इस मल्टीबिगर स्टॉक ने यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का अनाउंस किया है, और हम जानते हैं कोई भी स्टॉक जब भी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंस करता है तो स्टॉक और तेज़ी से भागता है। तो अगर हम इस मल्टीबिगर स्टॉक के नाम की बात करते हैं तो देखिए इस स्टॉक का नाम यहाँ पर प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम। तो प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम एक बहुत ही अच्छी मल्टीबिगर स्टॉक है। अगर हम स्टॉक की रिकॉर्ड डेट या एक्सपायरी डेट की बात कर लेते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक यहाँ पर क्या करता है और इसका फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर हम कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट को देखते हैं तो देखिए क्या क्या प्रोडक्ट यह निर्माण करता है, उससे हमें फंडामेंटल के बारे में पता चल जाएगा। इस कंपनी का अगर प्रोडक्ट लिस्ट को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जितने सारे आपको ग्लू है, आप फेविकल जैसा ग्लू का निर्माण ये करता है। उसके बाद जो टैप है, टैप का निर्माण भी करते हैं, जितने सारे ग्लू टाइप का टैप होता है। उसके बाद बहुत सारा ऑयल का निर्माण भी इस कंपनी की तरफ से मिल जाता है। मतलब आप कह सकते हो ये जितने सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो आप कह सकते हो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बाज़ार में हमेशा चलते रहते हैं, तो इसलिए आप कह सकते हो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हमेशा बाज़ार में अगर चलते हैं तो कोई भी स्टॉक्स का हो, कोई भी शेयर्स का हो, कंपनी का हो, तो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नज़र आ रहा है। तो आप कह सकते हो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रहा है। कंपनी की तरफ से इस बार जो रिजल्ट है आप कह सकते हो Q1 रिजल्ट, जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है, रिजल्ट को अगर हम देख लेते तो रिजल्ट अच्छी खासी यहाँ पर नहीं था। आप देखेंगे नेट इनकम में अगर देखा जाए तो नेट इनकम में यहाँ पर फॉल देखने को मिला 90%, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी देखिए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पर फॉल की नज़र आ रहा है। तो आप कह सकते हो रिजल्ट अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी हर तरफ से अच्छी इसलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट हमेशा में हमेशा बिकती रहती है। तो चलिए हम कंपनी का स्टॉक स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट को देख लेते हैं। अगर हम न्यूज़ की तरफ चले जाए तो आप देख सकते हो मल्टीबैगर स्मॉल कैप कंपनी अनाउंस स्टॉक स्प्लिट। तो यही कंपनी है जो मल्टीबैगर स्टॉक है, और यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का अनाउंस किया है। कंपनी है प्रेशर कंसेंसिटिव, ये आप जो मैं बात कर रहा हूँ। और अगर दोस्तों यहाँ पर हम इसकी रिकॉर्ड डेट की बात करें तो फिलहाल रिकॉर्ड डेट यहाँ पर किस तरफ से निकाल कर आए, चलिए हम देखते हैं। तो चलिए रिकॉर्ड डेट क्या है, देखिए इस कंपनी की तरफ से अभी तक रिकॉर्ड डेट नहीं आया। ये रिकॉर्ड डेट आपको मिल जाएगा, कब मिल जाएगा, ये एजीएम मीटिंग में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं साथ ही साथ आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी एजीएम मीटिंग होगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। इस शेयर्स की तरफ से जब भी स्टॉक स्प्लिट का जो मीटिंग होगा, एजीएम मीटिंग, उस मीटिंग जब भी होगा तो कितना तरीक़ों इसका रिकॉर्ड डेट रखा जाएगा मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर लिखा है वोटिंग एट द एंशोरो एनुअल जनरल मीटिंग एट द स्प्लिट रिकॉर्ड डेट, मतलब जो रिकॉर्ड डेट है वो इस मीटिंग में रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप स्टॉक को बाई कर सकते हो, कि लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है अच्छी रिटर्न आपको दे रहा है, और साथ में स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़ आने के बाद कोई भी स्टॉक आपको जो भागते हुए नजर आए, आप लॉन्ग टर्म पोजिशन मत बनिए, आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो।